रविवार की रात हत्या का प्रयास करने के संबंध में शांतिनगर पुलिस ने दो नाबालिग सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि फिरियादी पहाड़पुरा लालगंज निवासी शुभम उर्फ दादू मनोहर मेश्राम 22 वर्षीय बताया जा रहा है कि फिरियादी पर 7 लोगों ने मामूली विवाद के चलते हमला बोल दिया था। फिलहाल आगे की तफ्तीश शांतिनगर पुलिस कर रही है। शहर के शांतिनगर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद आरोपी इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। लेकिन बीती रात उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में शांतिनगर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। फिरियादी लालगंज निवासी शुभम उर्फ दादू मनोहर मेश्राम 22 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसकी फैज चिकन सेंटर नामक दुकान है। तो वहीं आरोपी नितेश उर्फ नित्या प्रकाश माहूरे, यश नामदेव निनावे, गोलू कोहाड़े, नीलेश हेडाऊ, आशीष नंदनवार, गोपाल गायकवाड़, पीयूष कहानी, आकाश पराते सहित 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी अपने साथ चाकू और हथियारों से लैस थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी साइड में लगाने को लेकर हुए इस मामूली विवाद में शुभम और नितेश का झगड़ा हुआ था और इसी बात का गुस्सा नितेश ने पाल रखा था और आखिरकार 27 तारीख को वह अपने भाई के साथ नितेश के घर के बाहर पहुंचा और एक बार फिर दोनों के बीच आपसी विवाद शुरू हुआ। कलम 307 विथ राइट अन्वय गुन्हा दाखल आहे। गेल्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये यामधला फिर्यादी आहे शुभम मेश्राम, हा चकना चौक येथे असताना यामधला अटक आरोपी नितेश नित्या मेंटल याच्यामध्ये वाद झाला होता। त्या वादाचा मनात राग धरून दिनांक 27/11/22 रोजी सायंकाळी 8:40 वाजता फिर्यादी हा घरासमोर असताना यामधील नमूद आरोपी 5 अटक आरोपी व इतर 3 आरोपी असे मिळून त्याच्यावर तलवारीने चाकूने हमला केलेला आहे। सध्या 5 आरोपी अटक आहेत व 2 नाबालिग आहे, तपास सुरू आहे। अजून इतर आरोपीचा निष्पन्न होत आहे, यामध्ये किती आरोपी आहेत, किती अजून आरोपी निष्पन्न होतील याबाबत तपास चालू आहे। फिलहाल शांतिनगर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।